हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के 50 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस बार 101% गारंटी बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपके क्लास 10 सोशल साइंस में हर साल आता है। ठीक है, आप सभी के एग्जाम में हर साल आता है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 100% गारंटी है कि आप सभी के एग्जाम में इस बार बिल्कुल पक्का है सभी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग मात्र इस 50 क्वेश्चन को पूरे सोशल साइंस की किताब से आप लोग मात्र 50 MCQ क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो, तो आप सभी का 20 नंबर सोशल साइंस में बिल्कुल पक्का है। ठीक है, इससे बाहर एक भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके सोशल साइंस के पेपर में नहीं आ सकते, क्योंकि जितने भी ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे ना तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को यहाँ पे एक एक शब्द, एक एक बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फ्रांस की क्रांति हुई थी वो कब हुई थी। कई ऑप्शन दिया है, जैसे 1788 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में और 1787 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 5 मई को हुई थी। कब हुई थी? 5 मई को, और वो 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी, यानी जब जर्मनी की एकीकरण हुआ था तो उसमें जो अपना मुख्य भूमिका निभाए थे वो कौन थे। ठीक है, तो वो ऑटो ऑन बिस्मार्क थे, यानी ऑप्शन ए राइट है। और देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, जैसे जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कि विलियम प्रथम। ठीक है, जो विलियम प्रथम है, इनको जर्मनी राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। और अगर जर्मनी का एकीकरण में मुख्य भूमिका पूछ दिया तो ये ऑटो ऑन बिस्मार्क थे। ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। तो देखिए, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इन्होंने देखिए, ये जो यानी यहाँ पे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इससे रिलेटेड उन्होंने 3 आंदोलन चलाया था। ठीक है, 3 आंदोलन, पहला असहयोग आंदोलन था, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन था, और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन था। तो ये तीनों जो इम्पोर्टेंट आंदोलन है, आपको इनके बारे में भी पढ़ लेना है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, इससे 3-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं। तो यहाँ पे जो सविनय अवज्ञा चलाया गया था, ठीक है, वो 1930 ईस्वी में चलाया गया था, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। और यहाँ पे देखिए, 1919 यानी 1919 में अगर पूछ दिया क्या चलाया गया था, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए, ये आप सभी के जो मैप आते मानचित्र भरने के लिए, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध था जो, उसका प्रारंभ यहाँ पे 1914 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इससे पहले हमने जो सोशल साइंस है उसके पूरे किताब के सभी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बता चुके। अगर आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे आप लोग एक बार आइए, विजिट कीजिए, और इस पे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, और आप सभी के यानी कि बोर्ड एग्जाम के वायरल पेपर को भी हमने बता चुका है, और उसको हम प्ले लिस्ट में भी रख दिए आप सभी लोग के कमेंट करने पर, वहां से आप लोग आसानी से देख सकते हो। कोई भी पेपर आपको चाहिए, किसी भी एग्जाम का, हाल फेयरली का, तो वो भी पेपर हम सभी पेपर बना चुके, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन पांचवा, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आर्थिक महामंदी का मतलब हम आपको बता दें कि गरीबी, यानी देश में गरीबी आया था। ठीक है, जैसे क्या हुआ था, जो देश के जो भी किसानों के सामान रहते थे,
साग सब्जी वगैरह जो भी फल वगैरह ठीक है और कोई भी वस्तु जैसे उसका क्या होता था कि अपने देश से यानी भारत देश से दूसरे देशों में जैसे अमेरिका हो गया और भी जापान वगैरह हो गया ये सब देशों में उसका व्यापार नहीं होता था ठीक है यानी आयात निर्यात जो थी वो बंद हो चुकी थी। इससे क्या हुआ और जब बाहरी जो व्यापारी लोग रहेंगे वो आपके अगर सब्जियों को नहीं खरीदेंगे किसानों का तो जो देश के लोग है वो खरीदेंगे तो वो कितने रेट उसको देंगे ठीक है उसको रेट वो कम देते। अब देखिए जो किसान है वो अधिक लागत लगाकर जो भी फसल सब्जी वगैरह उगा रहा है और उसको उसके लागत से कम अगर पैसा रेट के अनुसार उसके चीजों को बेचा जाएगा तो वो किसान किस तरह से मुनाफा करेगा ठीक है। तब तो वो उसके जो भी चीजें हैं ठीक है उसके जो रेट है उसमें गिरावट आ जाएगा यानी उसके कम मूल्य दिए जाएंगे तो किसान की लागत ही नहीं निकल पाएगा और जो किसान होते हैं वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ठीक है वो खेती करते हैं। अब उनके जो भी वस्तुएं थे यानी जो भी सब्जी थे उनकी कम रेट मिलने लगे ठीक है जिससे किसान सोचे कि जितना पैसा में हम इसको लाएंगे ठीक है और इसको किराया लगाकर मंडी वगैरह में लाएंगे वहां से व्यापारी ले जाएंगे और उतना और वहां पे रेट भी कम मिलेगा सब्जियों का तो इससे क्या हुआ कि वो सोचते थे जितना इसमें पैसा लग जाएगा इससे अच्छा है कि हम उसे घर पे ही रख दें। तो उससे क्या हुआ कि किसानों की सब्जियां जो है उनकी रेट जो है कम होने लगी तो वो अपने घर अत्यधिक किसान जो थे उनको रेट कम जब मिलने लगा तो वो अपने घर पे ही सब्जियों को उनकी सब्जियां खुद सड़ने लगी रखे ठीक है। इससे क्या हुआ कि यानी जो आर्थिक महामंदी था इसमें सबसे ज्यादा जो घटा हुआ था वो किसान लोगों को था यानी कृषक को हुआ था ठीक है। तो यहाँ पे आर्थिक महा तो वही कारण जो हो गया यानी देश में क्या हो गया गरीबी आ गई देश की आर्थिक स्थिति आ गई क्योंकि किसान जो है उनके जो भी वस्तुएं हैं उनके रेट में गिरावट आ गई ठीक है। मजदूर वगैरह हो गए मजदूरों को भी उनको काम मिलना बंद हो गया ये सब के कारण क्या हो गया देश में आर्थिक महामंदी आ गई गरीबी आ गई ठीक है। तो कब हुआ था ये 1929 ईस्वी में हुआ था ठीक है काफी इंपॉर्टेंट है इसको तैयार रखिएगा आप लोग। और जो चीजें हमने आपको बताया 60 में बिल्कुल ठीक है लांग में तो आप लोग उसको 60 क्वेश्चन और लांग क्वेश्चन में लिखिएगा यही उसका आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन 6 निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि इसमें नहीं है पूछा है ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बागान जो है ये क्या है व्यक्तिगत संसाधन है चारगाह भी है खनिज संसाधन है लेकिन ये भूमि जो है ये व्यक्तिगत संसाधन नहीं है ऑप्शन डी राइट है ठीक है ये प्राकृतिक संसाधन है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है। अजैविक का मतलब जो क्या हो निर्जीव हो जिसमें जान नहीं होता है ठीक है। तो वो क्या है चट्टाने जो होते हैं चट्टान होते हैं जो पत्थर के बने होते हैं उसमें जान होता है नहीं होता है इसलिए वो क्या है निर्जीव है यानी अजैविक है। तो यहाँ पे आप सभी को अजैविक संसाधन और जैविक संसाधन को भी याद कर लेना है 60 क्वेश्चन ये हमने बता चुका है पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8वां कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि जो है यहाँ पे काली मिट्टी होती है ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। रबी का मतलब हम आपको बता दे रबी किसको कहते हैं सूर्य का यानी कि रबी का मतलब गर्मी ठीक है सूर्य क्या देते हैं अधिक गर्मी देते हैं तो रबी का मतलब यानी कि जो गर्मी में फसल बोई जाती है वो यहाँ पे पूछ रखा है ठीक है। निम्नलिखित में से वो कौन से फसल है। देखिए ऑप्शन बी यानी गेहूं जो गेहूं होता है इसके फलों को पकने के लिए इसको अत्यधिक क्या होता है यानी इसको अधिक धूप की आवश्यकता पड़ती है इसलिए ये जो फसल है ये गर्मी में तैयार होता है ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछ रखा है रबी की फसल यानी यहाँ पे गेहूं है ऑप्शन बी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है ठीक है। तो असम जो है यहाँ पे काफी ज्यादा चाय की उत्पादन होती है ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है रेशेदार फसल पूछ रखा है ठीक है। तो कपास जो होता है ये रेशेदार फसल होता है इससे वस्त्र बनते हैं जूट भी रेशेदार फसल है ठीक है और प्राकृतिक रेशम जो है ये भी रेशेदार यहाँ पे फसल है इससे भी ठीक है जो भी रेशम वाले चीज होते हैं वो बनते हैं धागे वाले यानी इसमें से तीनों है ठीक है यानी ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोरबा प्रसिद्ध है ठीक है कोरबा जो है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है कोयला। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सौर ऊर्जा ठीक है सौर ऊर्जा जो है ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है बाकी ये सब क्या है ये सब बिल्कुल सेम ही है। नेक्स्ट है यहाँ पे
कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यात्रा करते हैं लोग, ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रेवलिंग करते हैं वो रेल परिवहन के माध्यम से करते हैं, क्योंकि जो ट्रेन है उसमें तो लोग, गरीब लोग भी यात्रा कर लेते हैं, अमीर लोग भी यात्रा कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना टिकट के भी यात्रा कर लेते हैं। और ऐसा कौन सा साधन है, वाहन है, जिसमें आप लोग बिना पैसा लगाए यानी बिना टिकट के यात्रा कर सकते हो? ठीक है, इसलिए देखिए कुछ लोग बिना टिकट के भी यात्रा कर लेते हैं, तो वो कौन सा साधन सबसे अधिक, यानी अपने भारत में कौन से साधन का यूज लोग करते हैं, जाना चाहते हैं, किससे अधिक जाना चाहते हैं, यात्रा करते हैं, तो वो रेल के माध्यम से ही ज्यादा करते हैं, ट्रेनों के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? तो ये इंग्लैंड में हुई थी, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? अब देखिए ये क्या है, मताधिकार की आयु, यानी कि भारत में वयस्क लोग कितने साल के होते हैं, ठीक है, यानी ऐसे कौन से लोग हो, कितने उम्र के लोग वोट देने के काबिल होते हैं? ठीक है, तो आप लोग क्लास 10th में हो तो क्या आप लोग वोट देने के काबिल हो, क्या आप लोग वोट दे सकते हो? ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो मताधिकार की जो आयु है भारत में वो 18 वर्ष है, ठीक है, ऑप्शन डी, और आप लोग अभी 18 वर्ष के नहीं हुए होंगे, इसलिए आप सभी लोग वोट नहीं दे सकते। जब आप 18 साल के हो जाओगे, ठीक है, तो आप सभी लोग वोट देना प्रारंभ कर दोगे, तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संघी सूची का विषय है? यानी देखिए यहाँ पे संघी सूची का विषय है पूछ रखा है, तो यहाँ पे कृषि तो संघी सूची का विषय नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, व्यापार भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे रक्षा जो है ये क्या संघी सूची की विषय है। नेक्स्ट है, यहाँ पे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो वो 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले दस्ताने और बंदी मुठिया किसकी प्रतीक है? ठीक है, तो यहाँ पे अश्वेत शक्ति की प्रतीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है, यहाँ पे कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? देखिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या है विकास का लक्ष्य, में नियमित ऊर्जा है, ठीक है, उपज की उचित कीमत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर किसान होते हैं और वो कृषि करते हैं, ठीक है, उससे वो साग सब्जियां फल वगैरह ये सब उगाते हैं, तो उनको उनके, ठीक है, लागत के अनुसार उनके जो भी उपज है उनकी कीमत होनी चाहिए, तभी वो जो किसान है वो अपनी जीविका उपार्जन करेंगे। नेक्स्ट है, बेहतर मजदूरी, यानी देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं रहते, ज्यादा लोग जो होते हैं वो मजदूरी ही करते हैं, मजदूरी से ही अपना जीवन चलाते हैं, अपने, ठीक है, घर परिवार को चलाते हैं, तो इसके लिए उन्हें बेहतर मजदूरी भी होना चाहिए, यानी सरकार को ज्यादातर काम लगाना चाहिए, जो भी है काम होता है गांव में ग्रामीण में वो सब काम लगाना चाहिए, इनमें से सभी, यानी सभी चीजें करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको कृषक क्षेत्र कहते हैं? ठीक है, कृषक क्षेत्र यहाँ पे पूछ रखा है कृषक। 22 क्वेश्चन, देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बता रहे हैं ना वो आपके एग्जाम में कई बार आने वाले क्वेश्चन, यानी बिल्कुल कंटिन्यू आने वाले इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं? ठीक है, अब देखिए कृषि क्षेत्रक का मतलब जिसमें कृषि किसान लोग आते हैं, मजदूर लोग आते हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है? तो देखिए भारत जो है ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे ज्यादातर लोग किसान, यहाँ पे ज्यादा लोग, ठीक है, कारोबार नहीं करते, नहीं कोई बिजनेस वगैरह ज्यादातर करते, यहाँ पे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, इसलिए वो किसान लोग रहते हैं और वो कृषि पे आधारित होते हैं, ठीक है, यानी खेती बाड़ी जो है लोगों का जीविका का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है? ठीक है, अब देखिए दो राज्य पूछ रखा है, यहाँ पे दो देशों के बीच नहीं पूछा है, दो राज्यों के बीच पूछा है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे उसको राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट राइट है, यानी राष्ट्रीय व्यापार दो राष्ट्रों के बीच में हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे 25 क्वेश्चन, हॉलमार्क किस वस्तुओं का प्रमाणिक चिन्ह है? तो ये सोना का होता है, ठीक है, गोल्ड का, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। देखिए यहाँ से अब फिर से पहले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, ठीक है,
यानी हम आपको 25 क्वेश्चन बता दिए। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे 25 क्वेश्चन बताएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी। काफी इम्पोर्टेंट है इसलिए आप लोग इसको दोबारा भी पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। सर्वप्रथम जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था वो फ्रांस देश में हुआ था, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी, तो वो 1815 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था, तो वो दांडी में प्रारंभ किया था। ठीक है, और दांडी यात्रा से वो प्रारंभ भी किए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। जो हम आपको बताए थे आर्थिक महामंदी ना, उसको महामंदी भी कहते हैं, तो इसका प्रारंभ 1929 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वो गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो यहाँ पे बागान, चारगाह, खनिज संसाधन या भूमि। ठीक है, तो यहाँ पे भूमि जो है ये व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पे भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, तो भारत की जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जिसमें जो फसल होते हैं वो काफी अच्छे तरीके से तैयार होते हैं, वो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये काफी उपजाऊ मिट्टी होता है, ऑप्शन ए राइट है। यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी जो होती है वो दक्कन के पठार में पाई जाती है, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे बी। 11 क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। देखिए, चिपको आंदोलन जो है ये क्यों चलाया गया था, जैसे पहले क्या था कि ज्यादातर वृक्षों को काटा जाता था। ठीक है, तो जब वृक्षों को काटा जाता था तो जो जंगल में लोग रहते थे वो क्या करने लगे कि जो वृक्षों को काटते थे वो लोग, जो जंगल के लोग थे उन्हें जो भी कहते हैं आदिवासी लोग या कुछ भी कहते हैं, तो वो लोग क्या करने लगे, उन सभी पेड़ों को पकड़ पकड़ के, ठीक है, यानी वो चिपक चिपक के उसको कहने लगे कि इसको नहीं काटने हम देंगे। तो जो काटने वाले लोग थे वो जो व्यक्ति चिपके थे उस व्यक्ति को भी काट देते थे और उस पेड़ों को भी काट देते थे, जिससे क्या होगा कि इस चिपको आंदोलन में कई लोगों का जान भी चला गया, कितने लोग अपना जान भी दे दिए। ठीक है, लेकिन जो पेड़ काटने वाले थे वो नहीं माने, इससे लोग पेड़ों से चिपक चिपक कर उसका रक्षा करते थे, उसको काटने से बचाते थे, इसलिए उसका चिपको आंदोलन नाम पड़ा। ठीक है, और ये इसका उद्देश्य था वन संरक्षण, यानी वनों को बचाना, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बहुउद्देशी परियोजना किस राज्य में स्थित है। बहुउद्देशी का मतलब जिस नदी, ठीक है, यानी जिस परियोजना का यूज कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे अब हीराकुंड बहुउद्देशी परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है, और ये जो है एक प्रकार की नदी है, ठीक है, बांध है, इससे यानी करंट भी उत्पन्न होता है और कई देशों में कई राज्यों में क्या होता है, इससे सिंचाई का कार्य भी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे पूछ रखा है कहाँ पे स्थित है ये, तो ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर बनाया गया, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल है। ठीक है, तो रोपड़ फसल जो है वो गन्ना है, इसके छोटे छोटे कलम बनाए जाते हैं और इसको क्या किया जाता है, इसको मिट्टियों में तरह से गन्ने का रोपड़ किया जाता है। ठीक है, रोपड़ फसल है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत का मतलब सफेद, ठीक है, क्रांति यानी जो सफेदी में कौन सी, इस समय कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी वस्तु है, ठीक है, जो सफेदी में अपनी क्रांति लाई हुई है, यानी काफी ज्यादा उसकी मात्रा है, वो है दुग्ध उत्पादन। ठीक है, ये क्या इस समय बिल्कुल क्रांति लाई हुई है, देख रहे हो आप लोग, सभी चीजें जो है, ज्यादातर चीजें मिठाइयां, आजकल तो सब्जियां भी बनने लगी है दूधों से। ठीक है, तो इस तरह से दुग्ध उत्पादन जो है वो श्वेत क्रांति लाया हुआ है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति का मतलब कि जो हरा है, ठीक है, यानी हरा क्षेत्र में कौन सी ऐसी क्रांति, किसकी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो वो कृषि उत्पादक में वृद्धि, यानी जो किसान लोग हैं वो अत्यधिक उन्नति के बीजों का यूज करके, अच्छे अच्छे कीटनाशक का यूज करके, दवाइयों का यूज करके, अच्छी किस्म के बीजों का यूज करके वो क्या करे, अपने कृषि उत्पादक में वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है, तो ये है उर्वरक। ठीक है, उर्वरक में डाई हो गया, यूरिया हो गया, ये सब का निर्माण भारत नहीं करता, ये दूसरे देशों से भारत में आते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, तो इसमें तो गेहूं था। देखिए नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है, ठीक है, तो वो काली मिट्टी, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट है, रानीगंज कोयले की खान स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, ठीक है, तो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। कोरबा प्रसिद्ध है, तो ये तो कोयले के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, विकास का महत्वपूर्ण घटक है, तो विकास का जो महत्वपूर्ण घटक होता है वो आय से होता है, आय का मतलब कि पैसों से होता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ये राइट है। 25 क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य है, सार्वजनिक यानी कि वो चीजें जो सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, ठीक है, यानी सभी को वो मिलता है, उसका क्या तात्पर्य है, तो ऐसी कौन सी चीजें है, तो जैसे हम आप सभी को बता दे, जो सरकार के कोटा से जो राशन मिलता है, गेहूं चावल जो भी चीजें है मिलता है, तो वो क्या है, वो सभी को मिलता है, यानी जो उसको लेना चाहता है वो उससे जाकर के ले सकता है, कार्ड वगैरह जो चीजें है यूनिट के हिसाब से अब तो मिलते हैं, उसके माध्यम से वो जाकर ले सकता है, ठीक है, और वो सरकार के माध्यम से सभी लोगों को देने के लिए, यानी जो उसको लेना चाहता है सभी को वो मिल जाता है। तो जो सरकार की तरफ से जो भी आपको गेहूं चावल मिलता है राशन के रूप में, वो क्या होता है, वो अगर वही चावल आप लोग मार्केट में किसी दुकान पे पूछेंगे तो वो आपको 24 रुपए किलो देगा, ठीक है, और 23 रुपया जो भी है 20 रुपए किलो, लेकिन जो सरकार है वो आपको 2 से 3 रुपए किलो ही सिर्फ देता है, यानी क्या करता है, यानी आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर उपलब्धता, यानी आपको जो आवश्यकता है चावल गेहूं, ये आपको काफी कम पैसों में ये आपको सरकार के द्वारा मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे चौथा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को, 50 इम्पोर्टेंट हमने आपको क्वेश्चन बताया, सभी को आप लोग तैयार कर लीजिए, वेरी इम्पोर्टेंट है, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके सोशल साइंस के पेपर में नहीं आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल से क्लास 10 सोशल साइंस की संपूर्ण तैयारी करते हो, जितने भी हमने मॉडल पेपर वगैरह बताया, वायरल पेपर बताया, सभी की तैयारी आप लोग करते हो, तो आप सभी का इस बार सोशल साइंस में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को जाकर के तैयार कीजिए अभी प्लेलिस्ट में भी, और आप लोग को मानचित्र कैसे भरना है सोशल साइंस के पेपर में, इस टॉपिक पर भी वीडियो हमारे चैनल पे आप लोग जल्दी से देखिए, और सभी विषय में पास होने की ट्रिक भी हमारे चैनल पे आ चुकी है, ठीक है। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, आप लोग पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हो, तो आप लोग पास होने की ट्रिक भी हमारे चैनल से देख सकते हो, और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, और आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, हम आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत किए हैं, ठीक है। और आप सभी लोग अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।